तो लॉन्च हो चुका है सैमसंग 4K क्रिस्टल डायनामिक टीवी सीरीज 2024 मॉडल्स। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर दो अलग अलग स्क्रीन साइज डायनामिक सीरीज का तहत लॉन्च किया गया है। पहला जो टीवी है वो 43 इंच, दूसरा जो टीवी है वो 55 इंच। तो क्या इन नया टीवी सीरीज जो 2024 डायनामिक है, इन मॉडल को क्या अभी हम लोग कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है इन्होंने काफ़ी हाई रखा है आज कंपेयर टू सैमसंग का रिसेंटली जो डी सीरीज लॉन्च हुआ था। जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो भी मेरा चैनल पर अभी भी अवेलेबल है। तो क्या इन टीवीज को कंसिडर करनी चाहिए, या फिर ओल्ड डी सीरीज जो फ्यू मंथ्स बैक लॉन्च हुआ था उन टीवीज को कंसिडर करनी चाहिए, और क्या सैमसंग इस क्रिस्टल डायनामिक टीवी सीरीज पर हमें कितने नए अपग्रेडेड फीचर देखने को मिलती है, आज इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स बात करने वाले हैं। सो वीडियो का गवर्नेंस पहले, मेरा नाम है लक्ष्मीधर, आप देख रहे टेक डिवीजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सैमसंग 4K क्रिस्टल डायनामिक टीवी सीरीज 43 इंच एंड 55 इंच पर आपको 2GB रैम के साथ में 8GB इंटरनल स्टोरेज और सैमसंग के टाइजन टीवी ओएस आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यहां पर आपको अमेजन एलेक्सा एंड विक्सबे का भी दोनों सपोर्ट मिल जाती है इस नए टीवी सीरीज पर। सो टाइजन टीवी ओएस है, बट ओरी होने का जरूरत नहीं है कि आपको सारे जो रेगुलर ऐप्स है जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं वो सारे के सारे आपको जो है प्री इंस्टॉल होंगे, और कुछ एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी आपको सैमसंग के टाइजन टीवी ओएस पर अवेलेबल होगा। बट यस, फ्यू एप्लीकेशन है जो रीजनल एप्लीकेशन है, लिमिटेड एप्लीकेशन है जो आपको एंड्रॉइड टीवी पर देखने को मिल जाती है, यहाँ आपको सैमसंग के टाइजन टीवी ओएस पर कुछ एप्लीकेशन जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैमसंग के डी सीरीज टीवी को मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग किया था, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। 3 मंथ्स के बाद मैंने परफॉर्मेंस वीडियो भी बनाया है, तो उस वीडियो की भी आप जाके देख सकते हो। सो बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि सैमसंग 4K क्रिस्टल डायनामिक सीरीज पर भी आपको 2GB रैम के साथ में 8GB इंटरनल स्टोरेज, सो 2GB रैम एंड आपको टाइटन टीवी ओएस, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाती है। यूजर इंटरफेस पर आपको अच्छी फ्लूडिटी देखने को मिलती है, ऐसे कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। और टाइजन टीवी ओएस जो है नो डाउट एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड एंड गूगल टीवी आपको नेविगेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन आपको बेटर देखने को मिल जाती है। बट यस, अगर आप सडनली किसी अदर स्मार्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से टाइजन को शिफ्ट होते हैं तो आपको थोड़ी सी अलग लगेगी, बट नो डाउट यूजर इंटरफेस जो है काफ़ी आपको स्मूथ एंड यूजर फ्रेंडली भी है। सैमसंग के 4K क्रिस्टल डायनामिक टीवी सीरीज 2024 पर आपको सोलर पैनल वाला रिमोट प्रोवाइड किया जा रहा है, अच्छी बात है, जो कि एक इको फ्रेंडली सिस्टम है। और आपको इस रिमोट पर जो है कुछ शॉर्ट कीज देखने को मिल जा रहा है, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और डिस्ने हॉटस्टार। इसके साथ में आपको सैमसंग टीवी प्लस का भी हॉट कीज आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आज कंपेयर टू सैमसंग टीवी प्लस जो यूसेज है उसे कई ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग यूट्यूब का। सो ये काफ़ी दिनों से जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि सैमसंग के टीवीज़ के रिमोट पर जो है यूट्यूब का हॉट की होनी चाहिए, बट इस टीवी पर भी आपको सैमसंग के डायनामिक सीरीज पर भी आपको यूट्यूब का हॉट की रिमोट पर गायब है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक वॉइस सर्च एनेबल्ड रिमोट है, और ये सेम रिमोट है जो आप डी सीरीज का विविड प्रो पर भी आपको प्रोवाइड किया। यहाँ पर मैक्सिमम ऑपरेटिंग डिस्टेंस रहेगी 5.5 फीट, नॉक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी अनवांटेड सिचुएशन से। बात ऐसा है दोस्तों कि सैमसंग पर आपको टाइजन टीवी ओएस देखने को मिल रहा है, सो आपको ऑप्टिमाइजेशन वगैरह बिल्कुल नहीं कर सकते हो अगर आप एंड्रॉइड टीवी गूगल टीवी का तरह सोच रहे हो। सो यहाँ पर भी आपको अगर एक एंटीवायरस प्रोवाइड किया जा रहा है तो ठीक ठाक आप कह सकते हो। अब बात करते हैं साउंड। सो यहाँ पर आप भी आपको सैमसंग 4K क्रिस्टल डायनामिक टीवी सीरीज 43 इंच एंड 55 इंच पर आपको 20W साउंड आउटपुट प्रोवाइड किया जाएगा। सैमसंग के वही कन्वेंशनल जो टेक्नोलॉजी है क्यू सिम्फनी मोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो साउंड बार का साउंड एंड आपका टीवी का जो साउंड है एट ए टाइम जो है सिंक्रोनाइज होकर आपको प्रोड्यूस होता है, जो इसका साउंड का जो आउटपुट है, मैंने सैमसंग का ऑलरेडी 2-3 टीवी अनबॉक्सिंग किए हैं, काफ़ी आपको स्मूथ एंड बेटर ऑडियो क्वालिटी जो है प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर 55 इंच का टीवी का बारे में बात करें तो यहाँ पर 20W साउंड आउटपुट, आई फील कि अगर थोड़ा 30W या फिर 35W या फिर 40W होता तो बेटर रहता, क्योंकि देखो सैमसंग के इसका पहले मैंने जितना टीवीज अनबॉक्सिंग किया है या फिर साउंड सुने हैं
20 वाट साउंड आउटपुट अगर आप बड़ा सा हॉल में प्लेस कर दोगे तो इसका साउंड आउटपुट जो है सफिशियंट नहीं होता है, सो आपको अलग से जो है साउंड बार लगाना ही पड़ता है। लेकिन ये लोग सुनते कहाँ हैं, ये लोग हमेशा वही आपको क्यू सिंफनी मोड 20 वाट साउंड आउटपुट। हालांकि ये भी ऐसा है कि दोस्तों अगर आप 20 वाट साउंड आउटपुट होने का बावजूद भी 100 वॉल्यूम पर भी वोकल बिल्कुल क्लैरिटी रहती है और ऑडियो का जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं आपको लॉस बिल्कुल ऐसे आपको देखने को नहीं मिलती है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया ऑडियो का जो आउटपुट है उतना आपको सफिशियंट नहीं। खैर अगर आपके पास साउंड बार है तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस टीवी का डिस्प्ले एंड वीडियो टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया में जो टॉप 3 ब्रांड्स है सोनी सैमसंग एलजी, इन तीनों टीवीज पर आपको जो है अपस्केलिंग बेहतरीन देखने को मिल जाती है। सो इस टीवी पर भी बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस मैं आपको इतना शेयर कर सकता हूँ कि अपस्केलिंग मैटर में सैमसंग टीवीज पर आपको बेटर विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है, इमेज क्वालिटी। एचडी कंटेंट के लिए आपको सोचने का नहीं, आपको जो है परफॉर्मेंस अच्छा मिल ही जाता है। लेकिन एचडी कंटेंट जहां पर आपको आपके पास अगर ओल्ड सेटअप बॉक्स है आपका एचडी कंटेंट है तो उतना ह्यूज एम्प्लीफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलती है। सो एचडी कंटेंट पर जो है अभी भी ऑप्टिमाइजेशन का जरूरत है। सैमसंग 4K क्रिस्टल डायनामिक टीवी सीरीज 43 इंच एंड 55 इंच पर आपको जो है VA पैनल देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस इन नीट्स जो है यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, हालांकि यहां पर आपको पावरफुल ब्राइटनेस बोल के स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया गया है। सो आई होप कि प्रीवियस मॉडल से इस टीवी का जो ब्राइटनेस है और थोड़ी बेटर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सैमसंग के जो पुराने 4K क्रिस्टल सीरीज AU E60 से अभी रिसेंटली जो 2024D सीरीज लॉन्च हुआ था ह्यूज ब्राइटनेस डिफरेंस को देखने को मिला था। मैं कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी डाला था चैनल पर, अभी आपको जैसे कि स्क्रीन के ऊपर मैं देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ब्राइटनेस का मैटर करता है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो ओल्ड मॉडल से न्यू मॉडल जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। सो आई होप कि अभी जो रिसेंटली ये डायनामिक सीरीज पर भी इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन और लाइटर डिस्प्ले जो है लाइटर फिल्टर ब्राइटनेस जो है हमें देखने को मिल सकता है। और नो डाउट सैमसंग का जो कंट्रास्ट एनहांसर टेक्नोलॉजी का थ्रू से आपको जो मोर नेचुरल एंड एग्जैक्ट कलर जो है प्रोड्यूस करता है स्क्रीन के ऊपर में। और इस टीवी पर सारे HDR कंटेंट्स लाइक HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाती है। उनके 4K क्रिस्टल प्रोसेसर का परफॉर्मेंस जो है प्रीवियस टीवी सीरीज पर भी बेटर देखने को मिला है। सो इस सीरीज पर भी इन्होंने सैमसंग 4K क्रिस्टल प्रोसेसर को भी रिपीट किया है। डायनामिक क्रिस्टल कलर टेक्नोलॉजी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया बेटर इमेज क्वालिटी आप एक्सपेक्टेड है। और सैमसंग के इस डायनामिक क्रिस्टल टीवी सीरीज पर आपको मोशन एक्सीलरेटर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। सो मोशन एक्सीलरेटर दैट मीन सिंपल है, अगर अदर स्मार्ट टीवी के बारे में बात करें तो वहां पर आपको बोला जाता है MEMC। सो MEMC एंड मोशन एक्सीलरेटर दोनों टेक्नोलॉजी सेम है। सो MEMC मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कंपेंसेशन। और यहां पर सैमसंग टीवी का जो टेक्नोलॉजी है यहां पर बोला जाता है मोशन एक्सीलरेटर। तो ये करता क्या है दोस्तों, अगर सिंपल बता दिया जाए कि आपका स्क्रीन टीवी का स्क्रीन पर अगर कोई हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर कोई फाइट सीन हो गया कोई स्पोर्ट्स सीन हो गया अगर आप प्ले करते हो तो अगर आपका टीवी पर MEMC या फिर मोशन एक्सीलरेटर है तो आपको ब्लोयर फ्री इमेज जो है प्रोड्यूस होगा, वो सीन का डिटेलिंग जो है आपको पता चलेगा। अगर आपका टीवी पर ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर जहां पर हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर जहां पर हाई स्पीड सीन चल रहा है किसी स्पोर्ट्स कंटेंट आप देख रहे हो किसी एक्शन कंटेंट आप देख रहे हो तो आपको स्क्रीन पर ब्लोयर देखने लगता है। सो एक सिंपल एंड यूजफुल फीचर है, सारे स्मार्ट टीवी पर होनी ही चाहिए। स्पेशली 4K टीवीज पर अगर ये फीचर नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा। और सैमसंग 4K क्रिस्टल डायनामिक सीरीज पर आपको लो इनपुट लैग फीचर प्रोवाइड किया जा रहा है। सो आप गेमिंग जो है थोड़ी आप स्मूथ एक्सपेक्टेड कर सकते हो। आप क्या जाए कनेक्टिविटी फीचर, तो कनेक्टिविटी जो है सैमसंग का अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें नेक्स्ट प्रीवियस डी सीरीज पर तो वहाँ पर भी ऐसे कनेक्टिविटी ऑप्शन पर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी फास्ट कनेक्टिविटी होता है। चाहे वाईफाई बात कर लीजिए, HDMI बात कर लीजिए, USB बात कर लीजिए, ऑप्टिकल पोर्ट का बात कर लीजिए, सो सारे के सारे आपको जो है पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी आपको सेम देखने को मिल जाती है प्रीवियस डी सीरीज से। हालांकि यहाँ पर आपको 3 HDMI पोर्ट के साथ में 2 USB आपको देखने को मिल रहा है। वाईफाई वर्सन आपको 5.0, ब्लूटूथ वर्सन आपको 5.2, साउंड मिररिंग भी आप कर सकते हो और मोबाइल टीवी मिररिंग कर सकते हो और आपको इस टीवी को जो है एज ए स्मार्ट हॉब का तरह यूज कर सकते हो। तो प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी, देखो प्राइसिंग जो है 43 इंच स्क्रीन साइज का जो प्राइस है 42,000 और 55 इंच स्क्रीन साइज का जो प्राइस है 60,000। आपको अभी सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि भाई ओवर प्राइस, ठीक है हमें भी ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस है ओवर प्राइस ही लगेगा और अमेजन पर जो है ये अवेलेबल है। पर आपको वन आपको कॉम्प्रेंसिव और एडिशनल 1 ईयर आपको जो है पैनल का ऊपर में,
सो टोटल 2 ईयर वारंटी जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा और नो डाउट सैमसंग कस्टमर सर्विस जो है काफ़ी फास्ट है और इनके रेक्टिफिकेशन टाइम कॉल रेस्पॉन्स वेरी लेस है और इन्होंने रिमोटली भी टीवी को लेके कंप्लेंट जो है सॉल्व करते हैं जो कि एक अच्छी बात है। अब अगर बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी तो भाई डिजाइन आप देखोगे ठीक ठाक कह सकते हो लेकिन बिल्ड क्वालिटी में बेस्ट ऑन स्पेसिफिकेशन आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि भाई देखो अभी रिसेंटली डी सीरीज को जो मैंने अनबॉक्सिंग किया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था बैक पैनल जो है कितना पूर आया था। अभी आप स्क्रीन के ऊपर में वो वीडियो डाल रहा हूँ आप देख सकते हो। यह सैमसंग 4K क्रिस्टल विजन प्रो टीवी रिसेंटली लॉन्च हुआ था 2024 मैंने अनबॉक्सिंग किया था 3 मंथ्स बैक। इसका पैनल का हालत देखिए अगर आप टच करोगे तो सिंपल अंदर में चला जा रहा है इतना पूर प्लास्टिक था। सो इस टीवी पर आई होप कि ऐसा देखने को ना मिले तो बेटर रहेगा क्योंकि सैमसंग जो है बिल्ड क्वालिटी प्रीवियस जितना भी क्रिस्टल सीरीज पर जो भी टीवीज आया है बिल्ड क्वालिटी आपको जो है काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है। सो आई होप ये वाला जो प्रॉब्लम है क्रिस्टल डायनामिक सीरीज पर सॉल्व हुआ होगा। ना ही सैमसंग के 4K क्रिस्टल सीरीज पर आपको डल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है ना ही डल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है लेकिन उसके बावजूद भी आपको स्पोर्ट्स कंटेंट एंड OTT कंटेंट जो है बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। अभी दोबारा जो है प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो बात ऐसा है कि दोस्तों अभी इसका जो प्राइस है जो नॉर्मली डी सीरीज का अंदर में जो प्राइस रखा गया था उससे भी ज़्यादा प्राइस रखा गया है यहाँ पर और फीचर अगर देखोगे स्पेसिफिकेशन अगर देखोगे तो आपको ह्यूज चेंजेस जो है देखने को नहीं मिला रिसेंटली डी सीरीज से ये डायनामिक सीरीज ठीक है लेकिन प्राइस इतना रखा गया है कि सभी लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 जो है अगर आप प्राइस इतना हाई रख रहे हो तो फिर आप डिफरेंस बताओ चाहे स्पेसिफिकेशन में हो या फीचर में हो या परफॉर्मेंस में हो आपको क्लैरिटी में मेंशन करना चाहिए। आप नॉर्मली जो अभी रिसेंटली विजन प्रो विविड प्रो या फिर विजन विविड से ये जो डायनामिक सीरीज है कैसे अलग है आप क्या यहाँ पर नया फीचर प्रोवाइड कर रहे हो क्योंकि बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन एंड फीचर जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ऐसे कोई ह्यूज डिफरेंस मेरे को जो है देखने को नहीं मिला लेकिन उसके बावजूद भी आप टीवी का प्राइस इतना हाई कैसे रख सकते हो ठीक है। खैर वो आपका अधिकार है रखने का आप रख सकते हो बट प्राइस जो है काफ़ी लोग को जो है सरप्राइज लगेगा तो आई होप कि प्राइस में करेक्शन होगा ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। सो खैर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है इसका। सो यही था आज का वीडियो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी यूजफुल होगा तो मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ में दोस्तों तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ में दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद।